हेलो दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट या कई सारे लोग ऐसे आते हैं या फ़ोन करते हैं, पूछते रहते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराने का कोई व्यवस्था है क्या, हम लोग सीख सकते हैं क्या। तो मैंने बोला था भैया इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको चलाते चलाते सिखाने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है, तो हो सके तो मैं ऑनलाइन से सिखाने का या ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था कर दूं। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब थोड़ा बहुत कमेंट आ रहा था, जो ये जानना है मछली के बारे में, वो जानना है, इस तरह से कई सारा सवाल आता रहता था। तो फिर मैंने सोचा इसके बारे में सीरियल से एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया लगभग सीजन का बीचों बीच स्टार्ट किया, 4-5 महीना हुआ है तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और बीच में जब कुछ सिखाने लगूंगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अगर एक सीरियल से हम लोग इसको सिखाने का कोशिश करेंगे या बोलने का कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत आसानी होगी इस चीज़ को सीखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस सीज़न जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, नया सीज़न के लिए हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगले सीजन के लिए तैयारी हो रहा है। अभी आप लोग यहाँ पे सब कुछ सीख सकते हैं सीरियल से। अभी स्टार्टिंग मान लीजिए अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है हैचरी, तो हम लोग पहले से कैसे स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह से पॉन्ड को खाली करते हैं, मछलियाँ कैसे मैनेजमेंट करते हैं, फिश को कैसे खाना देते हैं, इसके बाद बहुत सारे ऐसा छोटा छोटा बीमारी उमारी होता रहता है, ठंडी का मौसम आता है वहाँ पर मछली को कैसे रखना है, क्योंकि ये मछलियाँ तो बड़ी मछली है, इसको हम लोग बेचते नहीं हैं, जितना दिन ये मछलियाँ ज़िंदा रहती है उतनी ही दिन ये मछलियाँ अंडा देती रहती है। तो ये मछलियों को ज़िंदा रखने का जिम्मेदारी हम लोगों का होता है, कैसे ज़िंदा रखना है, सर्दी का मौसम में बहुत सारे बीमारी आता है, इससे कैसे बचाना होता है, चूने का इस्तेमाल क्यों करना होता है, हफ्ता हफ्ता हम लोग इसमें चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब सारा जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा सीरियल वाइज। तो हम लोग इसका लिए इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, जहाँ पे मैंने उसका नाम भी दिया है हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे मैं सीरियल बाई सीरियल सारा चीज़ अपलोड करता जाऊँगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीरियल देखे। तो फिर वहाँ से आप लोग भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है जो हैचरी चलाएगा सीख वही इसके बारे में जानकारी लेगा तो उसी को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे पॉन्ड प्रिपरेशन उसको आप लोगों को चाहिए, चूने का इस्तेमाल आप लोगों को चाहिए, जो भी कल्चर करते हैं उनको भी ज़्यादा बहुत तरह का बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कौन सा बीमारी में कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए ये सारा चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। तो इस तरह से सिर्फ हैचरी वाला को फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, जो हैचरी ब्रीडिंग्स या हैचरी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा जो लोग कल्चर करते हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो डालूंगा आप लोग भी उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा जो आप लोगों को मछली पालन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, पानी जैसे हरा बनाना, मेडिसिन का यूज़, अमोनिया का प्रॉब्लम सॉल्व, इस तरह का बहुत सारा टिप्स उसमें रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी जान पाएंगे। तो ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, इसीलिए मैंने थोड़ा जानकारी देना चाहा, आप लोगों को बता देना चाहा, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, हम लोग पॉन्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैंने थोड़ा पूरा वीडियो बना रहा हूँ, कौन सा पॉन्ड कैसे तैयार करना है, कैसे खाली करना है, पॉन्ड में कितना मछलियाँ रखना पड़ता है, फिर उस पॉन्ड में कैसे खाना देना पड़ता है, कौन मछलियाँ कितना मात्रा में रहती है, तो ब्रूडर मछली को किस तरह से खाना देना चाहिए, क्योंकि ये फिश ब्रूडर है, ये मछलियाँ अंडा देने वाली है, तो इसमें हिसाब लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन कितना देना चाहिए, फैट कितना देना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो यहाँ से भी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। फिर बोरिंग के बारे में बात करेंगे, तो मिट्टी का नीचे से जो 300, 400, 500 फीट नीचे से पानी निकल के ऊपर आता है, तो इस पानी में बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं रहता है, 0 ऑक्सीजन रहता है, तो उस पानी में कैसे ऑक्सीजन मिलाया जाता है, जिस कारण हैचिंग टैंक में या स्पॉन टैंक में आके स्पॉन को ऑक्सीजन मिलता रहता है, ये सारा टिप्स ट्रिक्स आप लोगों को बताता रहूँगा, तो इस तरह से आप लोग जान पाएंगे पानी में कैसे ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है। तो भाई लोग, यही है, ये ऐसा बहुत सारा बात है, बहुत सारा, एक ही वीडियो में सारा बात करके ख़त्म नहीं होगा,
दोस्तों 20 साल या 30 साल पहले हम लोग हैचरी को कैसे मेंटेन करते थे, अभी फ़िलहाल कैसे मेंटेन करते हैं, तो दोनों में बहुत सारा फ़र्क हो गया है। ये दोनों पुरानी बातें भी और कुछ नई बातें भी आप लोग वहाँ से जान पाएंगे, क्योंकि पुराना जना टाइम हम लोग कैसे करते थे, अभी कैसे करते हैं, इस तरह से छोटा छोटा टिप्स भी वहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। इससे एक फ़ायदा होने वाला है, बिना हैचरी के भी कुछ काम ऐसे कर सकते हैं आप लोग, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। घर बैठे बैठे कुछ ट्रिक्स आपका पॉन्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ना जानने के लिए आप लोगों को लगातार सीरियल वाइज वो वाला प्लेलिस्ट देखते रहना पड़ेगा या वीडियो को देखते रहना पड़ेगा, ध्यान से पूरा बात सुनना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को अंदर घुसते हैं, एक दो मिनट देखते हैं, फिर निकल जाते हैं, इससे जानकारी फुल नहीं हो पाता है। फिर थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर निकल जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो कोई भी इसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं या पूरा बात पूरा टेक्निक को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा पूरा वीडियो वॉच करना, पूरा वीडियो देखना, पूरा जानकारी लेना। हो सके तो आप लोगों को खाते में लिख लिख के थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रख सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई लोग, ये बार बार ये चीज़ फ्री में एडवाइस कोई नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं है। सारा टिप्स ट्रिक्स कहीं भी जाए आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपना जो है सीक्रेट वो अपने आगे रख दे आप लोग जान पाए। यहाँ पे भी लोग आते हैं, पूरा सिस्टम देखते हैं, लेकिन पूछते हैं, बहुत कुछ जान नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन ये लोग जानते हैं, यहाँ का जो है प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, यहाँ का स्पॉन बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, यहाँ से स्पॉन ले जाने के लिए ले जाने के बाद मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, दूसरा हैचरी वाला भी जानना चाहते हैं, ये गंगा हैचरी कैसे मेंटेन करता है, ये सारा चीज़ क्या क्या करता है, लेकिन जान नहीं पाते। तो ये एक मौका है, मैं बोलूँगा आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, हर एक वीडियो देखते रहना पड़ेगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत समय देना पड़ता है, मुझे काम भी करना पड़ता है, जिस कारण मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, जिस कारण वीडियो थोड़ा लेट आता है। तो दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था, तो मैंने दे दिया, आप लोग तैयार हो जाए सीखने के लिए, कुछ दिन में ये सारा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जो मैं देने वाला हूँ, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन ऐसे हैं जो लोग एचडी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रतो आप लोगों से विदा लेता हूँ।